हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल आज हम बात करेंगे टोयोटा एसयूवी के बारे में फॉर्चुनर लेजेंडर सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलता है आपको दो इंजन ऑप्शन के साथ यहाँ मिलेगा आपको 2.8 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन एंड 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल नाइन वर्जन शुरू होता तो है थर्टी सेवन लाख एटी थाउजेंड रुपीजी से लेके फिफ्टी एट लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ऑन रोड प्राइस न्यू डेली जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये लेजेंडो फोर बाई टू जो पड़ेगा आपको ऑन रोड पचास लाख रुपए का एंड फोर बाई फोर के साथ पड़ेगा आपको एक चौवन लाख तीस हजार रुपए का ये मिलता है आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही शार्प एंड स्लिक फ्रंट ग्रिल मिलती है आपको पियानो ब्लैक एक्चेंज के साथ ये ग्रिल मिलेगी आपको लेजेंडो मॉडल्स के साथ ही बीच में मिलता है आपको टोवेटा का लोगो पियानो ब्लैक फिनिश का काम आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा इस यूनिट तक यहाँ पे मिलते हैं आपको स्प्लिट क्वेड एलईडी हेडलेम्प विद वाटर फॉल एलईडी लाइन गाइड सिग्नेचर का फीचर चार यूनिट्स मिलती हैं आपको इधर दो मिलेंगे आपको हाई बीम के साथ विद मल्टी फ्लेक्टर यूनिट एंड दो मिलती है आपको लो बीम के साथ वहाँ पे मिलते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैप चारों मिलते हैं आपको एलईडी में एलईडी फ्रंट फॉग प्रॉगलेम्प का फीचर मिलता है आपको इधर और उसके साथ में है फ्रंट पार्किंग सेंसर लेजेंडो मॉडल के साथ मिलता है आपको कैटमर स्टाइल फ्रंट एंड रेयर बम्पर जो आपको फॉर्चुनर के साथ नहीं मिलता इसका दूसरा फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे मिलता है आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर एलईडी में जो आपको लेजेंडर मॉडल्स के साथ ही मिलेगा स्टेट प्लेट भी आपको सिल्वर फिनिश में मिलती है ऐसे दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक अप्रोच एंगल मिलता है आपको इधर 29.22 डिग्री का फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा आपको डबल वेड फोन स्टेबिलाइजर का पीछे मिलेगा आपको फोल्ड लिंग का सस्पेंशन कॉल स्प्रिंग एंड स्टेबिलाईजर के साथ स्टेबिलाइजर मिलता है आपको पिच एंड बाउंस कंट्रोल का जो मिलेगा आपको डीजल वेरियंट के साथ ही एंड हीडर मॉडल आपको डीजल वेरियंट के साथ ही मिलता है दो एरोब्लेड वाइपर्स मिलते हैं आपको दो वॉशर के साथ रेन सेंसिंग फ्रंट वाइपर्स का फीचर नहीं मिलता आपको फॉर्चुनर के किसी भी वेरियंट में डुअल टोन का ऑप्शन मिलता है आपको लेजेंडर मॉडल में एक ही कलर ऑप्शन मिलेगा जो आप सामने देख रहे हैं ब्लैक रूफ का फीचर मिलता है आपको इधर इधर मिलते हैं आपको मल्टी लेयर मशीन कट फिनिश अलॉय व्हील्स यही अलॉई व्हील्स आपको जी आर एस मॉडल में भी देखने को मिल जाते हैं लेकिन वो मिलेंगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में टायर साइज मिलेगा आपको टू सिक्स फाइव बाई सी रेडियल ट्यूबलेस टायर ऑल फोर डिस्क डिस्क्रिक्स का फीचर मिलता है आपको फॉर्चुनर के हर वेरियन के साथ व्हील क्लैडिंग ये मिलती है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे है पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट बंपर के नीचे आप देख सकते हैं साइड एंड बॉडी क्लाइडिंग का भी फीचर है और इसके साइड फुट स्टेप्स जो मिलते हैं आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ ड्यूअल टोन फिनिश में मिलते हैं आपको इसके ओआरबीएम विद एलईडी टर्न इंडिकेटर पडल नाम का भी फीचर मिलता है आपको इधर वो मिलेगा आपको हेलोजन बल्ब के साथ एलईडी में नहीं मिलेगा ओर वी एम बेस पे मिलता है आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिनस का डिजाइन बी पलर मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में सिल्वर कलर की मिलेगी आपको यहाँ पे रूफ रेल जो फंक्शनल नहीं है ऐसे देखता है इसका रूफ सन रूफ का फीचर नहीं मिलता आपको फॉर्चुनर में ब्लैक रूफ मिलता है आपको लेजेंडो मॉडल्स के साथ क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल रिक्वेस्ट से फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे विंडो क्रोम बेल्ट लाइन का फीचर मिलता है आपको इधर जो कनेक्ट करता है इसके रियर सेक्शन तक जो बनाता है इसकी साइड प्रोफाइल को आकर्षित सी पिलर मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश में एंड डी पिलर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ऐसा दिखता है इसका कम्प्लीट रेयर प्रोफाइल लुक टोएटा लेजेंडर का यहाँ पे भी आपको कार्टर रन स्टाइल रेयर बम्पर मिलता है लाइक फ्रंट बंपर ये फीचर मिलता है आपको लेजेंडर मॉडल्स के साथ ही और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश का, का काम लाइक फ्रंट बंपर लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर स्केट प्लेट का फीचर नहीं मिलता रियर सेक्शन में लेजेंडर मॉडल्स के साथ और इधर आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का भी फीचर मिल जाएगा रेयर सेक्शन में लाइक फ्रंट सेक्शन स्प्लिट एलईडी रेयर कॉम्बिनेशन लैम्प का फीचर मिलता है आपको इधर स्टैंडर्ड एरो स्टेबलाइजिंग फेंस का डिजाइन मिलता है आपको इधर ओ आरवी एम बेस की तरह यहाँ पे पियानो प्यानो ब्लाक फिनिशलईडी टेल लैम्प पे कुछ ऐसा डिजाइन एलिमेंट मिलता है आपको रेयर बंपर पे मार्ट ब्लैक फिनिश में एंड रेयर बंपर में मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर एंड फॉग लैम्प का फीचर उसके है प्यानो ब्लैक फिनिश का काम चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रियर बंपर पे आगे मिलेंगे आपको दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ये मिलेंगे आपको एम इंडिकेशन के साथ ये लेफ्ट साइड का फॉग्लम एंड रिफ्लेक्टर और ये डिजाइन एलिमेंट एन इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो इधर मिलेगा आपको पेस्ट फुल साइज एलॉय व्हील मिलता है आपको एटीन इंच के साथ राइट एंड साइड पे मिलता है आपको सिंगल एक्सोट पाइप 25.21 डिग्री का मिलता है आपको डिपार्चर एंगल और यहाँ पे टोइंग हुक लेफ्ट हैंड साइड पे और इस टेल गेट के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है आपको लेजेंडर की बाजिंग टेल गेट अपलीक मिलेगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में फॉर्चुनर की एम्बॉजिंग मिलती है आपको इस टेल गेट अपलीक पे ये मिलता है आपको फीचर लेजेंडर में ही टोयोटा का लोगो सिंगल ब्लेड के साथ मिलता है आपको रियर वाइपर रियर डी फॉगर ऊपर मिलता है आपको वॉशर और ये इसका हाई माउंट स्टॉप स्टॉपलम जो मिलता है आपको लीडी में रियर स्पॉयलर का भी फीचर मिलता है ड्यूल टोन इफेक्ट के साथ क्योंकि ये लेजेंडर मॉडल शार्क फेन्टीना ये मिलेगा आपको पियानो ब्लैक फिनिश में बॉडी कलर नहीं मिलता और यहाँ पे प्लेस मिलेगा आपको इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा टेल गेट अपलिक के नीचे इधर मिलता है आपको फुली ऑटोमेटिक पावर टेल गेट का फीचर इधर मिलेगा आपको एक बटन ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाता है फीचर मिलता है आपको हाइट एडजस्ट मेमोरी एंड जैम प्रोटेक्शन के साथ किक सेंसर का भी फीचर मिलता है आपको लेजेंडर में एंड जी में जो बेस्ड है लेजेंडर मॉडल पे ही यहाँ पे मिलती है आपको इंस्ट्रक्शन किक सेंसर के लिए आप पढ़ सकते हैं ग्रैब हैंडल और ये बटन इस बुट को बंद करने के लिए यहाँ पे भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलती है अनफॉर्चुनेट जैसी गाड़ी में आपको इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता जो देना चाहिए था जिसका ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट सिक्सटी लैख टच करता है कुछ स्टेट्स में इधर मिल जाता है आपको 296 हंड्रेड का बूट स्पेस लोडिंग लिप मिलती है आपको स्ट्रेट मटेरियल आप देख सकते हैं लगेज हुक की बात करें तो आपको दोनों साइड मिलेगा राइट एंड लेफ्ट लगेज स्लैप का फीचर नहीं मिलता आपको इस बूट में और यहाँ पे प्ले है की टूल किट लाइक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा इधर से आप खोल सकते हैं इस तरीके से एंड बंद कर सकते हैं पावर अपडेट का भी फीचर मिलता है आपको इस बूट में बेस्ट इन सेगमेंट बूट स्पेस मिलता है आपको एम जी के साथ 343 का एंड अल्ट्रा जी में मिलता है आपको 240 का रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से थर्ड रो की सीट्स मिलती है आपको रिक्लाइन फीचर के साथ ये मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर और मिनिमम स्लाइड नहीं कर सकते यूटिलिटी स्पेस फेक्स विंडो मिलती है आपको इधर और यहाँ मिलता है आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल डेडिकेटेड रूफ वेंस मिलते हैं आपको थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए दोनों साइड थ्री पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है आपको इधर ऐसी आपको लेफ्ट हैंड साइड पर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल फेक्स विंडो यूटिलिटी स्पेस एंड थर्ड रो के पैसेंजर्स के लेग स्पेस की बात करें तो कुछ इतना मिलता है आपको लेग स्पेस थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए जो बेस्ट सूटेबल है चिल्ड्रन के लिए और यहाँ पे मिल जाती है आपको एक रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ एलईडी में नहीं मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पे भी और आप थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं और ज्यादा बूथ स्पेस पाने के लिए ईजी स्पेसअप का भी फीचर मिलता है आपको थर्ड रो की सीट्स पर इस तरीके से आप फोल्ड डाउन एंड फ्लपअप कर पाएंगे थर्ड रो की सीट्स को ऐसी आप राइट सीट को फ्लिपअप कर सकते हैं कुछ इतना मिल जाता है आपको बूथ स्पेस सेकेंड रो की सीट्स को आप टम्बल फोल्ड कर सकते हैं सिक्सटी फोर्टी तो ये है इसका टोटल बूट स्पेस यहाँ पे आपको इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिलता इस बटन से आप इसको बंद कर पाएंगे फुली ऑटोमेटिक पावर टेल गेट का फीचर मिलता है आपको जो मिलता है आपको एंटी पिंच के साथ हाइट एडजस्ट मेमोरी का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है इसका रेयर पैसेंजर डोर डोल टोन में मिलती है आपको यहाँ पे डो पार्टिंग मरून एंड ब्लैक मरून कलर का फीचर मिलता है आपको लेजेंडो मॉडल्स के साथ ही जो आपको टोयोटा एटा में नहीं मिलता डोर माउंटेड आमरेज पे भी आपको लेदर इंसर्ट मिलता है यहाँ पे प्लास्टिक फार्चूनर के एम्बोजिंग एम्बेट लाइटिंग का फीचर मिलता है आपको इधर डो पार्डिंग पे भी ये फीचर मिलता है आपको लेजेंडा मॉडल्स के साथ ही क्रोम इन डोर हैंडल लॉक एंड लॉक बटन ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको चारों पावर विंडोज पे यहाँ पे है प्यनो ब्लैक फिनिश डोर माउंटेड आम्रिप पे मिलता है आपको लेदर इंसर्ट डो पॉकेट लीटर बॉटल होल्डर के साथ स्पीकर प्यानो ब्लैक फिनिश के साथ डोर कट सी लैम्प चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है आपको दोनों रेर डोर्स पे और यहाँ मिलती है आपको ड्यूल टोन इंटीरियर थीम ब्लैक एंड मरून लेदर सीट्स मिलती है आपको ब्लैक एंड मरून फिनिश में सत्ताईस सौ पैंतालीस एम का व्हील बेस मिलता है इसका फ्लेट्स ब्लैक फिनिश में टम्बल फोल्ड आप दोनों सीट्स को कर पाएंगे कुछ इस तरीके से थर्ड रो में जाने के लिए तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेड का फीचर मिलता है ऐसे दिखते हैं इसकी थर्ड रो की सीट्स मिनिमम लेग स्पेस की बात करें तो कुछ इतना मिलता है आपको लेग स्पेस ये सीट बिल्कुल पीछे है थर्ड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन कर पाएंगे लेकिन सेकेंड रो की सीट्स को आप रिक्लाइन एंड स्लाइड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं आप स्लाइड दोनों सीट्स को एंड रिक्लाइन के लिए आपको यहाँ पे मिलता है लीवर ये है मैक्सिमम रिक्लाइन फीचर आई गाड़ी के अंदर चलते हैं यहाँ पे मिलता है आपको लगेज हक का फीचर मैक्सिमम कैपेसिटी है फोर के की बैक पॉकेट का फीचर मिलता है आपको ड्राइवर सीट के पीछे दो टाइप सी के पोर्ट्स मिलते हैं आपको स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए और साथ में मिलती है आपको स्पेस स्मार्टफोन को रखने के लिए यहाँ पे ऐसे लोमर टाले फिनिश कुछ इतना हम मिलता है आपको मर्डल सेक्शन में सत्ताईस सौ पैंतालीस एमएम का व्हील बेस मिलेगा यहाँ पे भी आपको लगेज हुक का फीचर मिलेगा फोर के जी कपासिटी के साथ साथ में है बैक पॉकेट का फीचर को ड्राइवर सीट के पीछे शोल्डर हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल टोटल छह मिलते हैं आपको फोटो का फीचर मिलेगा आपको सेकेंड रो में जो आपको थर्ड रो में देखने को नहीं मिल रहा था और यहाँ पर मिलती है आपको रीडिंग लाइट एल में जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है रूफ फ्रेंट्स के कंट्रोल मिलते हैं आपको फॉर द सेकेंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स डेडिकेटेड रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए भी और इधर मिलता है आपको आइसोफिक्स चार्टेड माउंट्स जो मिलता है आपको सेकेंड रो में ही थर्ड रो में नहीं मिलता एंड सेकेंड रो में मिलता है आपको रियर आमरेस का फीचर दो कप होल्डर के साथ इधर से आप इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से और ऐसे आप इसको बंद कर पाएंगे तीन एडजस्टेबल हेड्रेस मिलते हैं आपको सेकेंड रो की सीट्स पर थर्ड रो की सीट पे मिलते हैं आपको दो एडजस्टेबल हेडब्रेस्ट ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से व्हाइट कलर के इंटीरियर एम्बे इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको लेजेंडो मॉडल्स के साथ जो आपको सेंट ऑफ डोर ट्रिम्स एंड फ्रंट पे देखने को मिल जाता है बटन के इल्यूमिनेशन लाइट मिलती है आपको ब्लू कलर में जो आपको इधर भी देखने को मिल जाती है एंड रूफ वेंट्स के कंट्रोलर पे भी आई गाड़ी के बाहर चलते हैं ऐसा देखता है इसका साइड प्रोफाइल लेंथ मिलेगी आपको फोर सेवन नाइन फाइव वेथ डबल फाइव हाइट है टू सेवन फोर फाइव एम एम का क्राउन क्लियर मिलता है ले आउट मिलता है आपको इधर एंड टर्निंग रेडिस है फाइव पॉइंट एट मीटर्स का क्रॉ वहीकल वेट है वेरियंट का छब्बीस सौ दस किलो एंड इस वेरियंट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको टोटल सेवन ए बैग एस विद डी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट हिल असिस्ट कंट्रोल Auto limited slip differential, ISO fix, connected car technology, front seat belt with Pre-Tensioner and force limiter, seat belt reminder with buzzer, front and rear parking sensors with MID indication, reverse parking camera, a plush injury Listening concept front seats, anti theft system, speed auto lock with emergency unlock, impact absorbing structure with pedestrian protection, protection support, emergency brake signal, electrochromic IRVM auto headlamps, all four disc brakes, door ajar warning with e strobe display, Center locking with smart entry system. रेड डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक लो फ्यूल लेवल लाइट रिमाइंडर एंड की लेफ्ट रिमाइंडर वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको फोर बाई टू के साथ अगर आप फोर बाय फोर लेते हैं तो आपको तीन एडिशनल फीचर्स मिलेंगे डाउन हिलसिस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल एंड लॉकेबल डिफरेंशियल जैसे फीचर्स जो आपको टू व्हील ड्राइव के साथ नहीं मिलते और ऐसे देखते हैं इसके स्प्लिट क्वेट ऑटोमेटिक एलईडी ईडी हेडलेम्प विद टर्न इंडिकेटर एंड एलईडी फ्रंट फॉग प्रॉगलेम्प्स सारे यूनिट्स आपको एलईडी में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे मिलता है आपको वाटरफॉल एलईडी लाइन गाइड सिग्नेचर का फीचर जो आपको फॉर्चुनर के साथ देखने को नहीं मिलता दो प्रोजेक्टर हेडलेम मिलते हैं आपको लो बीम के साथ एंड एलईडी में मिलेंगे आपको इसके फ्रंट पॉकलम जो काफी ज्यादा ब्राइट है ये सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर ये है लो बीम प्रोफाइल और ये है इसकी हाई बीम प्रोफाइल हाई बीम प्रोफाइल मिलती है आपको मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ लो बीम मिलेगी आपको प्रोजेक्टर के साथ ये डी आर एल्स का काम करते हैं नाइट टाइम में एंड डे टाइम में मिलेंगे आपको वाटरफॉल एलईडी लाइन गाइड सिग्नेचर के डी आर एल्स लेजेंडर मॉडल्स के साथ जो टोयोटा फॉर्चुनर के साथ अवेलेबल नहीं है एक ही कलर ऑप्शन मिलता है आपको लेजेंडर में जो है व्हाइट पर्ल क्रिस्टल श्राइन विद ब्लैक रूफ जो आप सामने देख रहे हैं हीट रिजेक्शन ग्लास का फीचर मिलता है आपको इधर स्टैंडर्ड टफ बॉडी ऑन फ्रेम जैसी मिलती है आपको इधर यह बना है टोयोटा आई एम वी प्लेटफॉर्म पे आई एम वी स्टैंड फॉर इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज वहीकल इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोयोटा हाइलस पिकअप ट्रक जो इसी साल लॉन्च हुआ है रिव्यूज आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन से और ऐसे देखते हैं इसके टर्न इंडिकेटर ओ आरबीएम पे इंडोनेशिया में सबसे पहले लॉन्च हुई थी टोइटा फॉर्चुनर 2004 में इंडिया में लॉन्च हुई थी 2009 में एज फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था इंडिया में नवंबर 2016 में जो इंटरनेशनल जुलाई 2015 में लॉन्च हो चुका था और ऐसे देखते हैं इसके स्प्लेट रेयर कॉम्बिनेशन लैम्प्स जो मिलते हैं आपको एल में वे क्वेंशल टर्न इंडिकेटर फॉगलेम मिलेंगे आपको हेलोजन बल्ब के साथ ऐसे देखते हैं इसके एलईडी टेल लैम्प्स जो मिलता है आपको स्टैंडर्ड हर वेरियंट के साथ और इसके रेयर फॉगलैम्प ये भी आपको हर वेरियंट के साथ मिल जाते हैं यहाँ पे है रिफ्लेक्टर का फीचर टोटल नाइन कंट्रीज में इसकी असेंबली होती है सेकंड जनरेशन मॉडल की वियतनाम थाईलैंड साउथ अफ्रीका अर्जेंटीना कायर इजिप्ट करवांग इंडोनेशिया शाह आलम मलेशिया कराची पाकिस्तान एंड बेदादी कर्नाटका इंडिया में एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इसको एस डब्ल्यू फोर के नाम से जाना जाता है इसका पिकअप वर्जन आता है पिकअप ट्रक के नाम से एंड एम पी वी वर्जन आता है इनोवा क्रिस्टा के नाम से रिव्यू आपको मिल जाएगा उबर आई बटन से यहाँ पे मिलती है आपको दो रिमोट की लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ और यहाँ मिल जाता है आपको एलुमिनेटेड एंट्री सिस्टम का फीचर अनलॉक पे ही ऑन हो जाएगा लॉक पे ऑफ हो जाएगा पटल नाम का फीचर मिलेगा हलोजन बल्ब मिलता है आपके इधर आप देख सकते हैं और इसी रिमोट की से आप टेल गेट को भी खोल पाएंगे ऑटोमेटिकली इस बटन की मदद से जब आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा फुली ऑटोमेटिक पावर टेल गेट का फीचर मिलता है आपको इधर टोएटा फॉर्चुनर के हर एक मॉडल के साथ और इसी बटन की मदद से आप इस टेल गेट को बंद भी कर पाएंगे ये टेल गेट मिलता है आपको हाइट एडजस्ट मेमोरी एंड जाम प्रोटेक्शन फीचर के साथ बढ़िया फीचर लजेंडर मॉडल के साथ आपको किक सेंसर का भी फीचर मिलेगा जो आपको टोइटा फॉर्चूनर के साथ देखने को नहीं मिलता इस तरीके से भी आप इस टेल गेट को खोल पाएंगे ये फीचर आपको जी आर एस मॉडल में भी देखने को मिल जाता है तो ऐसे ये ओपन अप हो जाता है कुछ इतना टाइम लेता है ये किक सेंसर की मदद से और किक सेंसर से ही आप इस टेल गेट को बंद कर पाएंगे विदाउट रिमोट की या किसी भी बटन को दबाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से आप इसको बंद भी कर पाएंगे ईजीली ये फीचर आपको टोएटा फॉर्चुनर के साथ नहीं मिलेगा ये मिलेगा आपको लेजेंडर या जी मॉडल के साथ ही ईजी क्लोजर का फीचर मिलता है आपको स्टेल गेट पर आप देख सकते हैं ये फीचर आपको हर एक मॉडल के साथ देखने को मिल जाता है टोएटा फॉर्चुनर में आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे यहाँ पे मिलती है आपको ड्यूबल टोन में डो पार्डिंग ब्लैक एंड मरून क्योंकि ये है लेजेंडर मॉडल यहाँ मिलता है आपको लेदर इंसर्ट मरून कलर में डो पार्डिंग पे जो आपको रेयर डोर्स पे भी देखने को मिल जाता है डोर माउंटेड आमड्स पे भी मिल जाता है मरून स्टिचिंग के साथ इंटीरियर एम्बेथ एलुमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको व्हाइट कलर में लेजेंडो मॉडल्स के साथ यहाँ मिलती है आपको कुछ इंफॉर्मेशन डीजल पर्टिकुलर फिल्टर सिस्टम के बारे में क्रोम इनसाइड डोर हैंडल मिलता है आपको इधर लॉकल लॉक बटन ऑल फोर पावर विंडोज मिलते हैं आपको वन टच अप या वन टच डाउन फीचर के साथ विद जाम प्रोटेक्शन बढ़िया फीचर ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड यहाँ मिलता है आपको मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन उसके आगे मिलेंगे आपको ओ आर के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट स्टैंडर्ड ट्रैक कर पाएंगे आप इन बटन की मदद से यहाँ मिलता है आपको ट्विटर सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ नीचे मिलते है आपको स्पीकर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ फ्रंट में पॉकेट वन लीटर बॉटल होल्डर के साथ ये डो करसी लैप और ऐसा दिखता है इंटीरियर लेजेंडर मॉडल का टोन इंटीरियर थीम मिलता है आपको ये है इसका काबिल लुक सेवन सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको टोयोटा फॉर्चुनर के साथ सिक्स सीटर वेरिएंट अवेलेबल नहीं है लेजेंडर के साथ मिलती है आपको डुअल टोन इंटीरियर थीम ब्लैक एंड मरून ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम मिलती है आपको जी या टोएटा फॉर्चुनर के साथ आप ले सकते हैं शामिल लेदर सीट पोस्ट्री का भी फीचर मिलता है आपको टोयोटा फॉर्चुनर में यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर एक्सेंड का काम इसी इवेंट के सराउंडिंग में जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ मिलता है आपको कप होल्डर इस इवेंट के आगे उसके साथ में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम रिंग फीचर के साथ और इधर से आपके एक सेंसर को ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके साथ में मिलता है आपको पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ बटन और यहाँ से भी आप टेल गेट को खोल पाएंगे इस बटन की मदद से इधर मिलता है आपको और उसके साथ में डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन का बटन यहाँ से इंजन बोनेट और फ्यूल खोल सकते हैं आप ये इसकी पैडल पोजिशनिंग बैक साइज का आपको डेड पैडल में मिल जाता है टोएटा फॉर्चुनर लेजेंडर के साथ और इसकी स्कोटा की ब्रांडिंग मिलती है आपको फ्रंट टू डोज पे यहाँ पे मिलता है आपको एट वे पावर एडजस्ट का फीचर ड्राइवर सीट पे एंड पैसेंजर सीट पे बढ़िया फीचर इधर से आप एट वे कर सकते हैं एडजस्ट एंड दोनों एपेलर पे मिलता है आपको एंट्री असिस्ट हैंडल गाड़ी के अंदर जाने के लिए आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको कैबिन का ड्राइवर सीट से यह है लेजेंडर वेरियंट ट्वेल्व टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको इधर ब्लैक एंड मरून बोनेट व्यू भी आपको क्लियरली विजिबल मिलता है ड्राइवर सीट से लेदर रैप हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको इधर मरून सिटिंग का भी काम देखने को मिल जाएगा थम कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको स्टेरिंग व्हील पे और इसके हॉर्न सेटअप की बात करें डोल हॉर्न सेटअप मिलता है आपको और यहाँ मिलेगा आपको गैलेक्सी ब्लैक पैटर्न ऑर्नामेंटेशन फॉर्चुनर के साथ मिलता है आपको वुड ग्रेन टेल्ट एन टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर मिलता है आपको इधर बढ़िया फीचर और ऐसा दिखता है इसका स्टेयरिंग व्हील सिल्वर एक्सन का भी काम देखने को मिल जाएगा स्टेयरिंग व्हील पे स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको ऑडियन कॉलिंग कंट्रोल्स पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाता है इधर आप देख सकते हैं वॉइस कमांड का भी फीचर मिलेगा नीचे मिलते हैं आपको कॉलिंग कंट्रोल्स बीच में मिलता है आपको टोएटा का लोगो राइट हैंड साइड पर मिलेंगे आपको एम के कंट्रोल्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ नीचे मिलते हैं आपको क्रूज कंट्रोल लाइक टोएटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोएटा फॉर्चुनर पैडल शिफ्टर्स का फीचर मिलता है आपको इधर राइट हैंड साइड लीवर पे मिल जाते हैं आपको लाइट एंड इंडिकेटर कंट्रोल्स ऑटो हेडलैप का फीचर मिलेगा हाई बीम भी आप इधर से कर पाएंगे और ये फ्रंट फॉग प्रोग्लम एंड रेयर प्रोग्लम के कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं आपको वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हजार लाइट का बटन पियानो ब्लैक फिनिश का काम देखने को मिल जाता है इधर ओवरऑल जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल जाता है आपको इधर मरून स्टचिंग के साथ जो आपको इधर भी देखने को मिल जाता है अपर ग्लव बॉक्स में फॉर्चूनर की एम्बोजिंग मिलती है आपको इधर इसका सेंटर फेशियल लुक डुबल जोन ऑटोमेटिक ऑटोमैटिकी मिलता है आपको फॉर्चूनर के हर एक मॉडल के साथ यहाँ पे एयर ट्वेल्व वोट का सॉकेट एक बूट में भी देखने को मिल जाता है उसके साथ में यूएसपी पोर्ट फ्रंट टू सीट्स मिलती है आपको वेंटिलेटेड इधर मिलेंगे आपको नॉब्स उसके साथ में है स्पेस वायरलेस चार्जर का फीचर मिलता है आपको लेजेंडो मॉडल के साथ ही जो आपको टोएटा फॉर्चूनर के साथ अवेलेबल नहीं है इधर से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं वायरलेस चार्जर को एंड पीछे मिलता है आपको गैलेक्सी ब्लैक पैटर्न ऑर्नामेंटेशन का काम उसको खोलेंगे तो मिलेंगे आपको दो कप होल्डर सेम साइज़ के यही ऑर्नमेंटेशन आपको स्टेयरिंग व्हील पे भी देखने को मिल जाता है ये फीचर मिलेगा आपको लेजेंडर मॉडल्स के साथ ही ये इसका सिक्स फीट सिक्वेंशियल ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स जो आता है शिफ्ट लॉक के साथ इसको आप मानवली भी आप चला सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश एंड लेदर इंसर्ट इस गेयर बॉक्स यूनिट पे जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा लेदर इंसर्ट मरून स्टिचिंग के साथ ओवरऑल आपको मरून स्टिचिंग का, का काम देखने को मिल जाता है लेजेंडा मॉडल में ऐसा दिखता है इसका गेयर बॉक्स यूनिट यहाँ पर मिलते हैं आपको तीन मोड्स इको मोड नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट मोड यहाँ मिलता है आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन उसके साथ में मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन फिक्स्ड फ्रंट आमरेस मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ इधर भी मरून स्टिचिंग का काम देखने को मिल जाएगा अंदर मिल जाती है आपको कुछ इतनी स्पेस ये आपको स्लाइडेबल नहीं मिलता यहाँ पर मिलते हैं आपको दो ग्लव बॉक्स अपर ग्लव बॉक्स मिलेगा लेके आपको कुल cool इफेक्ट के साथ इधर आप बेवरेज को ठंडा रख सकते हैं नीचे वाला मिलता है आपको लॉकेबल कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको इधर यहाँ पे है फर्स्ट एड किट एंड ओनर्स मैनुअल एलुमिनेशन लाइट का फीचर देखने को नहीं मिल रहा इस लोअर क्लब बॉक्स में आइए इसको बंद कर देते हैं रेयर पैसेंजर साइड के सनवाइजर की बात करें तो यहाँ मिलता है आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का फीचर हेलोजन बल्ब के साथ दो रीडिंग लाइट्स मिलती हैं आपको एल में यहाँ पर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश ब्लूटूथ माइक सन होल्डर उसके आगे मिलेगा आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक आयर वी बढ़िया फीचर और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ यहाँ पे भी आपको वैनिटे मिरर प्लस लाइट का फीचर मिलेगा जो मिलता है आपको हेलोजन बल्ब में ड्राइवर साइड भी आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलता है जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएगा टोटल सेवन ए बैग्स मिलते हैं आपको इधर चाहे आप बेस फोर बाई टू मैनुअल मॉडल लें या जी आर एस मॉडल आइए गाड़ी कौन कर लेते हैं कुछ ऐसा देखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे मिलता है आपको न्यू ऑप्टिट्रॉन ब्लैक डायल कॉम्बी मीटर जो आता है एलुमिनेशन कंट्रोल एंड वाइट एलुमिनेशन बार के साथ कुछ ऐसे देखते हैं इसकी हेडलाइट्स ड्राइवर सीट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट मिलती हैं आपको आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट से यहाँ पे मिलता है आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आरपीएम मीटर या टैको मीटर राइट हैंड साइड पे है स्पीडो मीटर इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे एम आई डी को इधर मिलती है आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन लाइक टोएटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोएटा फॉर्चुनर ईको इंडिकेटर ईको स्कोर ईको सेविंग टायर पोजिशन डिस्प्ले भी दिखाता है एम आई डी एग्जैक्ट टायर डायरेक्शन दिखाएगा ये डिजिटल स्पीड करंट इकोनमी रेंज स्टार्ट एंड स्टॉप की इन्फॉर्मेशन एको इंडिकेटर ऑडियो की इन्फॉर्मेशन ये वार्निंग मैसेजेस सेटिंग्स में आप कई सारी सेटिंग्स भी कर सकते हैं वहीकल सेटिंग्स में आप पावर बैकडोर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं आइडल स्टार्ट स्टॉप को भी आप अनेबल या डिसेबल कर पाएंगे एम के थ्रू एंड मीटर कस्टमाइजेशन में आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लाइक टोएटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोएटा फॉर्चूनर वही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो आपको इनोवा में भी देखने को मिल जाते हैं आप रीसेट भी कर सकते हैं इन सारी सेटिंग्स को आप फार्चूनर का कोई भी डीजल मॉडल लेंगे तो आपको स्टेरिंग व्हील मिलता है वेरिएबल फ्लो कंट्रोल के साथ जो पेट्रोल मॉडल्स के साथ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे मिलेगा आपको 8 इंच का डिस्प्ले ऑडियो टच स्क्रीन सिस्टम ये सिस्टम सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का कई सारी एप्लीकेशन को इन बिल्ड नाविगेशन का फीचर नहीं मिलता आपको इधर यहाँ पे मिलती है आपको कई सारी सेटिंग्स इधर से आप कर सकते हैं सिस्टम सेटिंग कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं होम सेटिंग्स को एंड थीम को भी आप चेंज कर पाएंगे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको इधर आप देख सकते हैं डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको फिजिकल बटन्स मिलेंगे टच बटन्स नहीं मिलेंगे हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं गाड़ी के बारे में फ्यूल इकोनॉमी आप इधर से चेक कर पाएंगे ईजिली टू व्हील ड्राइव के साथ मिलते हैं आपको दो ट्वीटर एंड चार स्पीकर अगर आप फोर व्हील ड्राइव लेते हैं लेजेंडर में तो आपको मिलेंगे प्रीमियम जे बी जिसमें आपको सब वूफर एंड एम्पलीफायर भी मिलेगा जो आपको टू व्हील ड्राइव के साथ नहीं मिलता चाहे आप फॉर्चुनर लें या लेजेंडर या अप्लीकेशन का कॉलम स्मार्ट डिवाइस लिंक इधर से आप एंड्रॉयड डॉटो एप्पल कारप्ले को लिंक कर सकते हैं और इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलती है आपको एलिमिनेशन लाइट कुछ ऐसी मिलती है आपको यहाँ पे क्वालिटी रिवर्स पार्किंग कैमरा की अडाप्टि गाइडलाइंस का फीचर नहीं मिलता आपको इधर और एम पे मिलता है आपको इंडिकेशन फॉर द फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलता है आपको डूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड चाहे बेस मॉडल है या जी मॉडल मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा आपको थर्टी डिग्री का एंड मिनिमम मिलेगा आपको एटीन डिग्री का इसकी ब्लो स्पीड आगे मिलेंगे आपको टोटल चार ए सी पीछे मिलेंगे आपको चार रूफ वेंट्स पीछे के रूफ वेंट्स को आप सेकंड रो से कंट्रोल कर सकते हैं इधर मिलते हैं आपको कई सारे मोड्स आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आप रूफ रूफमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे डोर स्पीड को भी आप इधर से सेट से कर पाएंगे फॉर द सेन एंड थर्ड रो पैसेंजर्स एंड ऑटो मोड पर भी आप लगा सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिलता है आपको टोयोटा फॉर्चुनर के हर एक मॉडल के साथ पॉपुलेटेड लेदर सीट्स मिलती हैं आपको ये पैसेंजर सीट के लिए यहाँ पे मिलता है आपको बटन और ये ड्राइवर सीट के लिए ये फीचर आपको पहले नहीं मिलता था आप फे मॉडल के साथ ये फीचर अवेलेबल है एंड लजेंडम मॉडल के साथ मिलता है आपको वायरलेस चार्जर का फीचर जो अदर मॉडल्स के साथ अवेलेबल नहीं है ये फीचर आपको जी मॉडल के साथ भी मिल जाएगा जो टोएटा फॉर्चूनर के साथ नहीं मिलता वन टच अप या वन टच डाउन का फीचर मिलता है आपको चारों पावर विंडोज़ पे विद एंड पिंच बढ़िया फीचर सारे बटन्स मिलते हैं आपको एलिमिनेटेड आप देख सकते हैं यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे ओ को एंड फोल्ड कर पाएंगे की ऑपरेटेड ऑटो फोल्डेबल ओ का फीचर नहीं मिलता आपको टोएटा फॉर्चूनर के किसी भी वेरियंट में जो मिलना चाहिए था यहाँ पे है डी पी की इन्फॉर्मेशन जो आपको एम पे देखने को मिल जाएगी ड्यू टू बी एस एक्स नॉम्स एंड गाड़ी को बंद करने के बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है एंड डोर हजार वार्निंग की बात करें तो कुछ ऐसी मिलेगी आपको एम आई डी पे इसकी एलुमिनेशन लुक रात के समय पे ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट मिलेगी इंटीरियर एम्बियथ इलिमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको लेजेंडर मॉडल के साथ ही जो मिलता है आपको व्हाइट कलर में यहाँ पे मिलता है आपको एक नॉप इधर से आप टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स टप ट्रपमीटर्स एल एलुमिनेशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे इस नॉप के थ्रू फ्रंट फुटप्रिल्पे भी आपको एल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है लेजेंडर मॉडल में जो आपको टोएटा फॉर्चूनर के साथ नहीं मिलता फ्रंट पैसेंजर साइड पे मिलेगा आपको रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर लाइक ड्राइवर साइड डोर ऐसा दिखता है इंटीरियर फ्रंट पैसेंजर साइड से यह हेलेजेंडर मॉडल जो मिलता है आपको डीजल इंजन के साथ ही चाहे आप फो बाई टू में लें या फो बाई फोर में को ड्राइवर सीट भी आपको एट वे पावर एडजस्ट के साथ मिलती है लाइक ड्राइवर सीट ब्लैक ब्लैक्स प्लेट टोएटा की ब्रांडिंग के साथ यहाँ से आप पैसेंजर ये बैग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको कप होल्डर का फीचर मिल जाता है लाइक ड्राइवर साइड टोटल सेवन ए बैग मिलते हैं आपको टोयोटा फॉर्चुनर के हर एक मॉडल के साथ यहाँ पे मिलता है आपको एंटीसेट सिस्टम का सेंसर डैशबोर्ड के ऊपर ऐसा देखिएगा इसका डैशबोर्ड फ्रंट पैसेंजर साइट से आइए इसका फ्यूल लेट खोल के देखते हैं यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल लेट को 80 लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आठ ब्लू टैंक मिलता है आपको इंजन बे में आइए इसको बंद कर देते हैं आइए इसका इंजन बोनट खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको डांपिंग फॉर बेटर इंसुलेशन और सामने देखने को मिल रहा है सत्ताईस सौ पचपन सीसी के साथ डीजल इंजन ऑप्शन जो प्रोड्यूस करता है टू जीरो वन बचपी की पावर पांच सौ एन टॉक के साथ जो मिलता है आपको ऑटोमेटिक में कंपनी माइलेज क्लेम करते है ट्वेल्व की और आता है सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स के साथ अगर आप मानव लेते हैं फॉर्चुनर में तो आपको टॉक लेवल मिलेगा फोर ट्वेंटी का पावर मिलेगी आपको सेम टू जीरो वन की जो लेजेंडर के साथ अवेलेबल नहीं है और उधर कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं फोर्टीन पॉइंट जीरो वन की एंड इसके आट ब्लू टैंक की बात करें तो मिलेगा आपको इधर प्लेट इधर से आप ब्लू डलवा सकते हैं दूसरा मिलता है आपको टू पॉइंट सेवन लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन ये है फोर सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है वन सिक्सटी फोर बी एच पी की पावर टू फोर्टी फाइव एम एम टॉ के साथ कंपनी माइलेज क्लेम करते हैं टेन की फॉर द मैनुअल एंड टेन पॉइंट टू सिक्स फॉर ऑटोमेटिक आता है फाइव स्पीड मैनुअल या सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ यही पेट्रोल इंजन आपको इनोवा क्रिस्टा में भी देखने को मिल जाता है वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग